और इसी के साथ में हमें यहाँ पे ये भी कुछ मिला है, ये कुछ इस तरीके का ऐसा फोल्ड करा हुआ आया था। तो ये एक्चुअली एक फीडबैक फॉर्म है, यहाँ से पीछे से, और यहाँ पे हम अपना फीडबैक भर सकते हैं। हमारे साथ स्क्रिंग जैसा और है, तो यहाँ पे अपना मोड नंबर यहाँ वो बताते होंगे जो दुकानदार वाले हैं, वो लिखना है। और थैंक यू फॉर आई बोल चूसिंग, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है? दिख रहा मेरे को नहीं पता। और यहाँ पे कुछ येलो येलो कुछ लगा हुआ है, देखते हैं ये हटता है नहीं हटता, मेरे को भी नहीं पता ये क्या चीज़ है। ओके, तो ऐसी एक स्ट्रिप सी आई थी, यहाँ पे पहले ग्लू था जो कि अब हट चुका है, देखिए यहाँ से हट रहा है, ये ऐसे था, ये फट चुका है, हम फाड़ ही देते पूरा। तो यहाँ पे ऐसा हो चुका है येलो येलो, और इधर जो फीडबैक फॉर्म है, जैसे व्हेन डू यू यूज आईबॉल स्लाइड, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक अबाउट आईबॉल स्लाइड, वेयर डू यू यूज आईबॉल स्लाइड, व्हाई डू यू चूज आईबॉल स्लाइड एज अगेंस्ट अदर ब्रांच, विच मोबाइल एंड डिवाइस टैबलेट डिड यू यूज प्रायर टू दिस परचेज, विल यू लाइक टू गिव एनी सजेशन, थैंक्स अगेन, योर फीडबैक इज स्पेशली वैल्यूएबल। आप देख सकते हैं ये है, और अब यहाँ पे कुछ हमारा एड्रेस जिससे हमारी पर्सनल आईडीज वगैरह मांग रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा मैं आपको फट के बता देती हूँ। एड्रेस मांग रहे हैं सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ऑफिस नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल। मटेरियल्स शेड्स, मतलब सिंगल, मैरिड या मैरिज एनिवर्सरी की, अगर मैरिज हो तो फिर मैरिज एनिवर्सरी कब हुई थी, जैसे डेट, मंथ और ईयर ऐसी, और इफ मैरिड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अगर मैरिड हो तो कितने बच्चे हैं, और एजुकेशन क्वालिफाई प्लीज चेक वन, ओके, इसमें मैट्रिकल, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल डिप्लोमा, अटेंड स्कूल, अटेंड कॉलेज, स्टूडेंट स्कूल या स्टूडेंट कॉलेज, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं, वैसे कुछ काम का नहीं है ज़्यादा ये। और इसके बाद ये है एक दवाई है, यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट ईट, आपको दिख रहा होगा, और ये हर किसी के ऐसे प्रोडक्ट के साथ आता ही है जिससे वो प्रोडक्ट ख़राब ना हो और कोई आए ना, ये सेफ के लिए होता है, सेफ्टी के लिए। तो इसमें है COCI2, मैं एक्चुअली अभी स्कूल में पढ़ती हूँ, 7th क्लास में, तो मेरे को इतना पता नहीं है। और ये यहाँ पे कुछ हमें स्टिकर्स वाले स्ट्रिप्स मिले हैं, मुझे पता नहीं है ये क्या है, मैं बहुत दिनों से देख रही थी ये क्या है, देखिए ऐसे निकल गया है ये यहाँ, मैं इसे वापस जोड़ देती हूँ, और अगर मैं इसको अपने आईबॉल स्लाइड पर लगाऊँ तो मुझे नहीं पता ये कहाँ लगाना है, आई थिंक देखो आईबॉल स्लाइड का यहाँ पर निशान है, तो उसी निशान का हमें ये मिला होगा। मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ, इसको आपको अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पर जो रेड कलर का निशान पड़ा हुआ है ऐसे ही, देखो सेम ये है, ये ऐसे स्लांट्स में है, तो हम स्लांट करके भी कहीं पे अगर चाहे तो लगा सकते हैं। और फिर अब इसके अंदर का ये रूम, तो ये भी अंदर से ऐसे चिपका हुआ है जो कि निकल नहीं रहा है, तो अब इसका काम हो चुका है। तो अब मैं आपको इसको अनबॉक्स तो कर दिया, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप इससे कैसे बना सकते हैं एक जस्ट लाइक नैपकिन बनाने वाला है ना, जैसे हम वो निकालते हैं टिश्यूज बनाने वाला। तो उसके लिए बस हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये 3 ये निकले थे, आप इसे कोई भी पुराने ले सकते हैं और भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको जैसे इसका ये था जो खुला हुआ है, इसके अंदर आपको एक दूसरा लेना है और फिर थोड़ा सा घुसा देना है, इसे हमें घुसा देना है और ज़्यादा अंदर नहीं, आधा घुसाना है, घुसा पाओ तो उससे भी कम, अगर आप इसे आधा घुसाओ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और मैंने इसे घुसा दिया है, और मेरे पास यहाँ पे 3 निकले हैं, तो 2 बड़े हैं और 1 छोटा है, तो मैं छोटे वाले को सबसे ऊपर लगा रही हूँ। और ये मैंने इसको लगा दिया, एक मिनट बस, मैंने इसे आधा इसके अंदर डाल चुकी हूँ, और ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। और अभी फ़ैन चल रहा है इसलिए
इसी की वजह से यहाँ पे कुछ ये उड़ गया था। तो अब बस इसे हमें क्या करना है, इसको हम सिंपली इसे ऐसे से थोड़ा यू 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 फोल्ड करके, मैं आपको दिखा देती हूँ, यू फिर यू फिर यू ऐसे फोल्ड करके रख देना है। मैंने इसे रख दिया है। अब जो हमारे ये था, इसे आपको क्या करना है, इस वाले को जो ये चीज़ होगी इसको आपको इसके होल होगा उसके अंदर डाल देना है, जो मैंने डाल चुका, और बिल्कुल थोड़ा सा बाहर निकालना है, ठीक है। तो और फिर इसे आपको लगा देना है, एक वो थोड़ा सा बाहर निकाल चुकी हूँ मैं, और अब मैं इसे अंदर घुसा रही हूँ। तो मैंने इसे अंदर घुसा दिया है और इसे मैंने सेट भी कर लिया अब, और ये बन गया। तो टूशन आपकी बनने वाला है, और इसको चाहे आप अंदर रख सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए, या यहाँ पे नैपकिन्स भी रख सकते हो। मैं इसको अंदर डाल देती हूँ ताकि हमारा जो ये है ये सेफ रहे, जैसे इन्होंने डाला है उस वैसी ही सेफ्टी के लिए मैंने भी डाल दिया। और देखिए यहाँ का स्ट्रक्चर बहुत सॉफ्ट है, तो मैंने डाल चुकी हूँ। और इसका ये ढक्कन है, यहाँ पे थर्माकोल आता है लगा हुआ, ताकि अगर फ़ोन उल्टा गिरे तो फिर कार्डबोर्ड पे लगे ना, और थर्माकोल से वो थर्माकोल नहीं, ये एक ऐसा पेपर होता है, आपको पता होगा, मगर उसका नाम नहीं पता। और फिर मैं इसको यहाँ पे कर चुकी हूँ, मैं इसे आपको बिल्कुल ही ध्यान से निकालना पड़ेगा, अगर इसे चिपका हुआ होगा और अगर आप इसे निकालोगे तो ये फट भी सकता है, जैसे मैं निकाल दूँ तो फट रहा है। मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। आप इसको धीरे धीरे करके अगर आप फाड़ोगे तो फट तो ये फिर इसे निकल जाएगा। अच्छा एकदम से बिल्कुल मत खींचे, और ये उधर से ही फट रहा होगा जिस तरफ ग्लू लगाई होगी मैंने। तो आप इसके कॉर्नर्स काट लीजिए, फिर ऐसे से मैंने एक काट ली, एक साइड की काटी है मैंने, और फिर मैंने इसकी ऐसे करके ये मैंने ऐसे एक इधर की काट ली। मैं इसके नीचे से भी काट लेती हूँ, और ये ऐसे बहुत सारे से हम पीसेस कर, जितने हो सके आप इसे काट के कर सकते हैं। तो ये और निकल चुका है, मैं चाहती थी और ये निकले, और इसका मैंने इसको थोड़े से पीस कर ही लिए हैं। इसको आपको इस पे लगाना है ऐसे करके, और जो ये वाला ऐसा पीस है इसको ऐसे बीच में से यूज कर लीजिए, और इसे बिल्कुल ऐसे रखिए, इसके बिल्कुल ऐसे आप देख लिया आपने, और फिर बाकी सबको अरेंज कर लीजिए, इसको इसकी दूसरी साइड। ये है जैसे, ये इसको मैं लगा देती हूँ इधर, और फिर जब ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो ये कुछ इस तरह दिखाता है। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, ये निकल गया, एक उड़ रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह तैयार हो गया है। ये हमारे क्रिएटिव का ही एक आइडिया है, और चाहे तो आप इसे पेंट भी कर सकते हैं। ये मैं इसे पेंट नहीं करी क्योंकि ऐसे नॉर्मल के लिए है, और ये बन चुका। अब आप चाहे तो इसके ऊपर आप ये रख सकते हैं चीज़ें, और मैं आपको ये याद दिला दूँ कि टॉवल है इसे बिल्कुल मत फेंकिए, और ना ही इसे किसी और काम, ये टॉवल स्पेशल टॉवल होता है जो इसको यूज करते हैं सॉफ्ट करने के लिए। लेकिन इस पर उंगली छापती या इसके ऊपर कुछ गिर गया, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये पानी है थोड़ा सा, बिल्कुल उसमें नन्ना सा है ही नहीं, मतलब ये मान लो गिर दिया ये मत। तो इसको क्या करना है, इसको आप इसमें फैला दो, मैंने इस पर डाल दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे ये है इसकी स्क्रीन बिल्कुल यूं, मैं आपको इसको ये पोंछ देती हूँ। देखिए मैं एक यहाँ पे एक ऐसी लाइन बना देती हूँ, मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी है आपको, मैं भी दिखना रही हूँ एक,
मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी है जिसके मैं इसको आधे पार्ट पे मैं इसको अपने हाथ से पोंछ रही हूँ। देखिए मैं इसके नीचे वाले पार्ट को अपने हाथ से पोंछ रही हूँ, ठीक है। देखिए मैंने इसे पोंछ दिया अपने हाथ से, देखिए आप इसको अपने हाथ से पोंछा है तो कैसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए ऐसी डॉट डॉट लग रही है। और यही अगर मैं इसको ऊपर वाले पोर्शन को टॉवल से पोंछूं एक बार में कितना साफ हो गया। देखो यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, मैं इसे पोंछ देती हूँ, देखो सारा एक बार में साफ हुआ है। और इसलिए स्पेशल टॉवल होता है इसको साफ करने के लिए। अगर सियोर टॉवल से करोगे तो वो इतना साफ नहीं होगा जितना ये वाला टॉवल करेगा। तो अगर आपको लाना है तो ऐसे बहुत ही अजीब अलग टॉवल है ये लाइए। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, चलो ये बन गया है, मैं इसे ये निकल गया, मैंने इसे चिपकाया नहीं था, इधर ये हो गया, ये यूँ निकल गया। ये ज़्यादा बाहर नहीं आएंगे लेकिन आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना और ऑल पर भी क्लिक करना। बाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा हो।